नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि आरएस 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 है। ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन क्या होगा। उसने कहा है कि मिश्रधन है 3264 और मूलधन है 2400 रुपए। तो P बराबर कितना है? 2400 रुपए और अमाउंट कितना है? 3264 रुपए। ठीक है, तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकलेगा? 3264 में से हम 2400 को माइनस कर देंगे, कितना निकलेगा? 4 में से 0 जाएगा 4, 6 में से 0 जाएगा 6 और 12 में से 4 जाएगा तो 8। तो 864 हमारा क्या निकल के आया? 864 हमारा यहां पर ब्याज निकल के आया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल पी आर टी अपॉन 100। अब हमें यहां पर रेट पता नहीं है तो रेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो रेट बराबर क्या होता है? एस आई गुणा 100 भाग पी इंटू टी। तो रेट बराबर एस आई है 864 गुणा 100 भागे पी की वैल्यू है 2400 गुणा टाइम है 4 वर्ष, काट देंगे 0000 और काटेंगे 4 से काटेंगे 4 × 8 और 4 × 4 और 4 × 6 = 24, 216 बचा, इससे काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 9 बार। तो रेट बराबर कितना निकल के आया? 9%। ठीक है, एक पहली कंडीशन का रेट निकल आया 9%। अब उसने कहा है कि ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन क्या होगा। अब वह कह रहा है कि R बराबर 1% आप वृद्धि कर लीजिए तो 9 की जगह क्या लिख लीजिए? 10 लिख लीजिए, क्योंकि 9 हमारा आया और 1% की वृद्धि करना है तो R बराबर क्या हो जाएगा? 10%। उतने ही समय T क्या था इसमें? 4 वर्ष था, तो वह कह रहा 4 वर्ष का निकालिए और इसी धनराशि का राशि भी उतनी ही आप रखिए। ठीक है, तो आप अपन को क्या करना है? पहले इसका इंटरेस्ट निकालना है और फिर मूलधन में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हमारा निकल आएगा। तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी अपॉन 100। पी की वैल्यू 2400, आर की वैल्यू 10 और समय है 4 वर्ष भागे 100 जीरो, 2400 को 96 और 10 का गुणा होगा तो 960। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 960। अब हमें निकालना क्या है? मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ये क्या होता है? पी प्लस एस आई। पी की वैल्यू है 2400 और हमारा एस आई जो निकल के आया वह निकल के आया 960। दोनों को हम जोड़ देंगे 0, 6, 9, 4, 13 और 2, 1, 3, तो 3360 रुपया जो हमारा नया मिश्रधन निकल के आया वह आया। ठीक है, तो पहले तरीके से हमने रेट को फाइंड किया। फिर दूसरी कंडीशन उसने कहा था कि आप रेट में 1% की वृद्धि कर लें, टाइम वही रहेगा, जो राशि है वह वही रहेगी, हमें अमाउंट बता दें यानी कि मिश्रधन बता दें। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और उससे अमाउंट निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।